तो फ्रेंड्स, आज से आईटी टेक्नोलॉजी में आप लोगों को स्वागत है। तो आज हम दिखाने वाले हैं विंडोज 7 32 बिट लैपटॉप में कैसे इंस्टॉल किया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले जो मैं बताने जा रहा हूँ कि मेरा वीडियो अगर अच्छा लगेगा तो लाइक और शेयर ज़रूर करना, किसी को ज़रूरत है तो शेयर करना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके पास में जो बेल बटन है वो दबा देना, क्योंकि ऐसे वीडियो दोबारा पाने के लिए, सबसे पहले पाने के लिए। तो आज जो मैं लैपटॉप में है, लैपटॉप इस लैपटॉप का हम फॉर्मेट करेंगे विंडोज 32 बिट में। ठीक है, तो सबसे पहले हम बायस में घुसेंगे। ठीक है, तो एसेल का लैपटॉप है, तो इसमें बायस में घुसने के लिए F2 दबाना पड़ता है। F2 बार बार दबाने से बायस में घुस जाता है। तो इस पेन ड्राइव में हमारा विंडोज 7 का 32 बिट का ISO फाइल है, तो इससे ही हम सिस्टम में विंडोज 7 32 बिट इंस्टॉल करेंगे। तो आज हम दिखाएंगे बायस से आप कैसे फास्टबूट डिवाइस पेन ड्राइव करके फॉर्मेट कर सकते हो। ठीक है, तो बायस में घुसने के बाद देखिए टाइम डेट बिल्कुल ठीक है। ठीक है, तो अभी हम बूट में जाएंगे, बूट। ठीक है, बूट में जाके इसमें देखिए फास्टबूट डिवाइस हार्ड डिस्क किया हुआ है, और सेकेंड बूट डिवाइस डीवीडी एडर किया हुआ है। इसका अगर फास्टबूट डिवाइस ऑफ डीवीडी एडर किया रहता तो एंटर दबा के, ठीक है, इसके ऊपर एंटर दबा के चेंज करना पड़ता। एरो दबाने से जिसमें आएगा उसमें जाके सिलेक्ट करने से देखिए चेंज हो जाता है। ठीक है, देखिए फास्टबूट डिवाइस अभी हम ऑप्टिकल ड्राइव मतलब डीवीडी एडर किया, तो फिर से हम चेंज करेंगे, चेंज करके हार्ड डिस्क करेंगे, हार्ड डिस्क कर दिया। ठीक है, तो अभी जो है हार्ड डिस्क फास्टबूट डिवाइस हार्ड डिस्क कर दिया है, स्टोरेज डिवाइस। अभी जो है हार्ड डिस्क में हम जाएंगे, हार्ड डिस्क में जाके आपका पेन ड्राइव जो है, पेन ड्राइव लिया नहीं तो हमको एक बार रिस्टार्ट करना पड़ेगा। ठीक है, रिस्टार्ट करके फिर से हम बायस में घुसेंगे F2 दबा के। ठीक है, F2 दबा के बायस में घुसेंगे, तो अभी फिर से बूट में जाएंगे। देखिए हार्ड डिस्क में घुसेंगे हम, अभी हार्ड में घुस गया, तो अभी देखिए फास्ट बूट डिवाइस क्या हार्ड डिस्क स्टोरेज डिवाइस का फास्ट बूट है आपका हार्ड डिस्क। तो अभी अगर हम मशीन रिस्टार्ट करके ऑन करेंगे तो डायरेक्ट हार्ड डिस्क से बूट हुआ। ठीक है, अगर इसको दबा के हम किंगस्टन पेंडेड कर देंगे तो अभी अगर मशीन रिस्टार्ट करेंगे तो किंगस्टोन पेनड्राइव से बूट करेगा। ठीक है, तो पेनड्राइव से बूट करेगा, तो इसमें अगर इसमें जो इसमें जो ओएस लगा हुआ है इसके लिए आपका प्री सेनी की मांगेगा। अगर ओएस नहीं रहता तो डायरेक्ट पेनड्राइव से घुस जाता। ठीक है, अगर ओएस आएगा तो प्री सेनी की चा मांगेगा, तो उस टाइम पे प्री सेनी की कोई भी की दबाना पड़ता है। अगर नहीं मांगता तो उस अगर ओएस नहीं रहता हार्ड डिस्क में तो उसमें प्री सेनी की नहीं मांगता, डायरेक्ट पेनड्राइव में घुस जाता है। ठीक है, तो अभी हम F10 दबा के सेव करके निकलेंगे, यस करके एंटर दबा के निकलेंगे, तो अभी पेनड्राइव से बूट करेगा। देखिए प्री सेनी की मांगेगा, प्री सेनी की मांगा है, इन्हीं की दबाना पड़ेगा, तो उसके बाद लॉग विंडोज में बूट करेगा। ठीक है, अगर प्री सेनी की अगर इसमें इस हार्ड डिस्क में ओएस है इसके लिए प्री सेनी की मांग रहा है, अगर ओएस नहीं रहता तो डायरेक्ट पेनड्राइव में बूट कर जाता है। ठीक है, तो ऐसे ही करता है। ठीक है, अगर आपका सिस्टम में अगर ऐसे ना करके बायस में नहीं घुस के अगर बूट मेन्यू से भी
घुस के आपका पेन ड्राइव सिलेक्ट करने से पेन ड्राइव में बूट करेगा। ठीक है, तो पहले हम ऐसा वीडियो दिखाया तो बूट मेन्यू में घुस के इंस्टॉल किया कैसे जाता है, तो इसके लिए हम बाश में घुस के फास्ट बूट डिवाइस पेन ड्राइव करके दिखाया। ठीक है, तो ये दिखाने वाले थे हम, तो इसके लिए दिखाया। तो इस एचसीएल लैपटॉप में F2 दबा के बाश में घुसना पड़ता है और स्केप दबा के बूट मेनू, ठीक है, बूट मेनू में जाना पड़ता है। तो अभी जो है ये खुल गया, ओपन हो गया। तो अभी टाइम और करेंसी सेटिंग इसको हम चेंज करेंगे, यूनाइटेड स्टेट है तो इसको हम इंडिया, इंग्लिश इंडिया करेंगे, इंग्लिश इंडिया। ठीक है, इंग्लिश इंडिया करके नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट करके इंस्टॉल नाउ करेंगे, इंस्टॉल नाउ करके देखिए अभी जो पेज आया है। तो अभी विंडोज 7 का वर्सन मांग रहा है, कौन सा वर्सन में हम इंस्टॉल करेंगे, जो अभी है अल्टीमेट भी है, प्रोफेशनल भी है। ठीक है, तो इस सिस्टम का हम एक बार देख लेंगे कि ये ओरिजिनल ओएस है कि नहीं। ठीक है, तो ओरिजिनल ओएस रहता तो साइड में, इस साइड में आपका विंडोज़ का लोगो रहता, तो पीछे भी नहीं है, सामने भी नहीं है। ठीक है, तो ये ओरिजिनल ओएस नहीं है। ठीक है, तो अभी हम अल्टीमेट में इंस्टॉल करेंगे, अल्टीमेट। और इसमें 2 GB का रैम है, इसके लिए 32 बिट ही हम करेंगे। ठीक है, 32 बिट, 86 में 32 बिट होता है, तो इसमें हम नेक्स्ट करेंगे अल्टीमेट 86। अभी नेक्स्ट करेंगे हम, तो आई एक्सेप्ट लाइसेंस, इसको ओके करके फिर से नेक्स्ट करेंगे। तो अपग्रेड नहीं करेंगे, कस्टम में जाएंगे, कस्टम में जाके मेरा जो हार्ड डिस्क में जो भी ड्राइव है हम डिलीट कर देंगे। इसमें होता क्या है, आपका अगर वायरस वायरस होगा तो सब डिलीट हो जाएगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं रहेगा और अच्छा होगा कि हार्ड डिस्क भी सही रहेगा। ठीक है, पार्टीशन भी आप कर सकते हैं। ठीक है, तो 320 GB का हार्ड डिस्क है, इसमें 320 GB में 20 GB हार्ड डिस्क ले लेते हैं सिस्टम, तो 300 GB रहता है। तो इसमें हम फॉर्मेट करेंगे, ठीक है, फास्ट ड्राइव बनाना पड़ेगा जिसमें ओएस लोड होगा। तो हम अभी 70 GB रखेंगे। ठीक, तो अभी 70 GB इतना रखेंगे हम, अप्लाई कर देंगे, अप्लाई करके ओके करेंगे। उसके बाद देखिए 70 अलग से एक पार्टीशन हो जाएगा, 71.2। ठीक है, और इस जो फाइल है इसको हम दो डिवाइस में भाग करेंगे देंगे बाद में। ठीक है, तो अभी नेक्स्ट करेंगे, पासवर्ड डिवाइस से नेक्स्ट करेंगे। तो अभी इंस्टॉल हो रहा है विंडोज़। ठीक है, तो आप लोग देखिए कैसे इंस्टॉल किया जाता है, तो इसमें हम पूरा डिटेल्स में देंगे विंडोज़ इंस्टॉल। ठीक है, अभी जो है हम वीडियो थोड़ा पॉज करेंगे, क्योंकि ये अगर होगा तो वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगा। ठीक, इसके लिए हम इसमें पॉज कर देंगे, बाद में फिर से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, 1-2% होने के बाद ही हम पॉज कर देंगे। ठीक है, उसके बाद फिर लास्ट में जाके हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो अब देखते रहिए वीडियो।
फिर से मांग रहा है ये जी कि क्योंकि ये जो पेन ड्राइव है फास्ट बूट डिवाइस है इसके लिए मांग रहा है, अगर फास्ट बूट डिवाइस नहीं रहता तो मांगता नहीं है। मैं बास में जाके फास्ट बूट डिवाइस पेन ड्राइव किया और सेकेंड बूट डिवाइस हार्ड डिस्क किया, इसके लिए प्रेस यानी कि मांग रहा था। लेकिन अगर बूट मेनू में जाके हम फास्ट बूट डिवाइस हार्ड डिस्क रख के बूट मेनू में जाके पेन ड्राइव से बूट करता, विंडोज इंस्टॉल करता तो ये मांगता नहीं, ठीक है। फर्स्ट टाइम मांगता, सेकेंड टाइम मांगता नहीं, ठीक है, डायरेक्ट हार्ड डिस्क में बूट हो जाता है, ठीक है। अभी इंस्टॉल होना स्टार्ट हो गया, सब कंप्लीट हो गया, फिर से हमारा उस पेज आएगा, पे जाके कंप्लीट इंस्टॉलेशन में जाएगा। फिर से सब कुछ हो गया, फिर से कंप्लीट इंस्टॉलेशन होगा, ठीक है। इसमें कुछ टाइम लगता है, अभी हो गया, फिर से सिस्टम रिस्टार्ट होगा। देखिए चला है, फिर से मांगा, इसको आकर मैं दिखा दे रहा हूँ, जितने बार रिस्टार्ट होगा उतने बार ये जो प्रेस है नहीं कि दबाना के लिए, दबाने के लिए बोलेगा। अगर वो चेंज कर देंगे तो, अगर वो हम कर देंगे कि बाइस से घुस के फिर से फास्ट बूट डिवाइस हार्ड डिस्क कर देंगे तो ये मांगेगा नहीं, ठीक है। हम दिखा देंगे उसको आपको, फिर से बाइस में घुस के फास्ट बूट डिवाइस हार्ड डिस्क करके दिखा देंगे। यूजर नेम मांग रहा है, यूजर नेम हम देंगे, सील दिया, मिस करेंगे, ये जो है ऑटोमेटिक एक्शन विंडोज, ये अगर आपका ओरिजिनल विंडोज होता तो इसको आप ऑन करके चेकबॉक्स को ऑन करके रख सकते थे, लेकिन अभी आपका जो लैपटॉप है, आपका लैपटॉप या डेस्कटॉप अगर ओरिजिनल विंडोज नहीं होगा तो इसको हम चेकबॉक्स को ऑफ कर देंगे, ठीक है। इस सिस्टम में अगर विंडोज ओरिजिनल होता तो इसको ऑन रखते, ठीक है। अभी जो है इसमें ओरिजिनल विंडोज नहीं है, इसके लिए इस चेकबॉक्स को ऑफ कर दिया, तो अभी नेक्स्ट करेंगे उसके बाद। तो अभी जो है इसमें यूज रिकमेंडेड सेटिंग, इसको जो देखिए उसमें जो फर्स्ट टाइम जब बूट इंस्टॉल करना स्टार्ट किया था उस टाइम चेंज किया था ना विंडोज 7 में, करंट सेटिंग इंग्लिश इंडिया किया था, इसके लिए इस टाइम डेट को इंग्लिश इंडिया के बारे में, इंग्लिश इंडिया के लिए इस टाइम को, टाइम जोन को ले लिया, ठीक है, इंडिया ले लिया। लेकिन अगर US थकता तो इंडिया नहीं लेता है, टाइम जोन नहीं लेता, उस टाइम पे आपको इसमें सिलेक्ट करके चेंज करना पड़ता, ठीक है। तो अभी जो है नेक्स्ट करेंगे, अभी फिर से अभी जो है इंस्टॉल हो गया कंप्लीट। अभी जो इसमें हम दोनों चेंज करेंगे, स्मॉल
कर दिया। अभी जो है हम पर्सनलिटी में जाके चेंज टेक्सचर आइकन सेटिंग, इसमें जाके इसको माय कंप्यूटर को डिक्शन में ले आएंगे। तो अभी क्रॉस कर दिया, तो देखिए माय कंप्यूटर भी आ गया, ठीक है कंप्लीट हो गया। ठीक है तो वीडियो कंप्लीट हो गया। तो अगर मेरे वीडियो को अच्छे लगेगा तो लाइक और शेयर ज़रूर करना, और लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके पास में जो बेल बटन है वो भी दबा देना, इसी तरह नया नया वीडियो पाने के लिए। और अगर किसी को लगेगा, कोई फ्रेंड को लगेगा तो लाइक शेयर कर देना, ठीक है मेरा वीडियो। तो थैंक यू दोस्तों मेरे साथ बने रहने के लिए, मेरे चैनल के साथ बने रहने के लिए, और थैंक यू। आप लोग जो मैं दिखाने वाले थे 22 में, ठीक है रिस्टार्ट कर रहा हूँ, देखिए आप पिन ड्राइव लगा हुआ है अभी सिस्टम में, ठीक है। तो इसके लिए देखिए बूट मेनू मांगेगा, बूट मांगेगा, ठीक है प्लेस एनी की मांगेगा, प्रेस नहीं मांग रहा है, ठीक है। तो इसको हम रिस्टार्ट कर रहे हैं और एक बार ऑल्ट कंट्रोल डेल मार के रिस्टार्ट करेंगे, देखिए और एक बार अभी जो है स्केप मार के बूट मेनू में घुसा, ठीक है स्केप दिया, स्केप प्रेस किया तो बूट मेनू में घुस दें। इसमें जाके आप किंगस्टोन पेन ड्राइव जो है इसमें एंटर मारने से आपको डायरेक्ट पेन ड्राइव में घुस जाएगा। इसमें बायस में जाके आपको फास्ट बूट डिवाइस पेन ड्राइव नहीं करना पड़ता, ठीक है। और इसमें जो है हार्ड डिस्क में प्रेस करने से हार्ड डिस्क में घुस जाएगा, ठीक है। अगर आप डीवीडी राइटर से करेंगे तो विंडोज लोड, तो सीडी से, तो डीवीडी राइटर में इंटर मारने से डीवीडी राइटर से बूट करेगा, उस टाइम पे भी प्रेस यानी कि मारना पड़ता है। अगर हार्ड डिस्क में ओएस रहता है तो, अगर ओएस नहीं रहता तो डायरेक्ट विंडोज बूटेबल फाइल में घुस जाता है, ठीक है। तो अभी जो है मेरा पिन ड्राइव फास्ट बूट डिवाइस किया हुआ है, तो अभी एंटर सेटअप इसमें भी इसमें से भी घुस सकते हैं, एंटर सेटअप में एंटर सेटअप दबाने से बायस में घुस जाएगा। अगर आप रिस्टार्ट करके F2 दबा के भी घुसेंगे तो F2 दबा के भी घुस सकते हो, ठीक है। तो अभी जो तो हम बूट में जाएंगे, ठीक है फास्ट बूट डिवाइस हार्ड डिस्क के बदले क्या किया हुआ है, किंगस्टोन का पेन ड्राइव, ठीक है। तो हम हार्ड डिस्क ड्राइव सेटिंग में जाएंगे, एंटर दबाएंगे, तो इसमें देखिए फास्ट बूट डिवाइस क्या हुआ है, पेन ड्राइव। तो अभी इसको हम चेंज करके हार्ड डिस्क कर देंगे, ठीक है। इसके बाद F10 दबा के, तो अभी देखिए मांगेगा नहीं मांगा, ठीक है डायरेक्ट बूट पास में विंडोज में घुस गया, ठीक है। तो यही सेटिंग था आपको दिखा दिया, ठीक है। अगर मेरी वीडियो को अच्छे लगेगा तो लाइक और शेयर ज़रूर करना, किसी को ज़रूरत है तो शेयर कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को पास में जो बेल बटन है वो भी दबा देना। थैंक यू मेरे दोस्त।